हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है पजल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में जो उसका वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का वेटेज है। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले प्रॉपरली रीडिंग कर लेते हैं, समझ लेते पजल में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सेवन बॉक्स आप प्लेस वन अबव अनदर, ईच बॉक्स हैव अ डिफरेंट वेट, ठीक है। ऑल बॉक्स आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट लाइटेस्ट बॉक्स इज प्लेस एट टॉप ऑफ द स्टैक एंड द हैवीएस्ट बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो जो सबसे हैवीएस्ट रहेगा सबसे लोअर मोस्ट रहेगा, जो सबसे लाइटेस्ट रहेगा मतलब जो हल्का रहेगा वो टॉप मोस्ट फ्लोर रहेगा, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? सेवन है। सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ओके। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। देखिए अभी क्या बोला, मोर देन थ्री बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में तीन से ज़्यादा बॉक्स है, ओके। एफ को मैं अगर टॉप में रखूँ तो एक दो तीन चार, जी इधर भी आ सकता है और एफ और जी इधर भी आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। ओनली टू बॉक्स आर प्लेस बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो बॉक्स है, ए विच इज 60 kg, ए जो है 60 kg का, ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, थ्री बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में थ्री बॉक्सेस है। द थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज 35 kg, जो लाइटेस्ट बॉक्स है थर्ड लाइटेस्ट, तो ये थर्ड लाइटेस्ट है तो ये 35 kg का, ठीक है। यहाँ 35 kg लिख रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद क्या बोला, एफ इज लाइटर देन डी, एफ जो है लाइटर है किससे, डी से, ठीक है। C is heavier than B. C जो हैवियर देन B. C जो हैवियर है किसे, B से। B which is 10, B which is 10 kg, B is B which is 10 kg heavier than D. B जो है 10 kg heavier देन है किससे, D से, ओके। आया सब में। F is 13 kg lighter. अभी देखिए B और C के में कितने कितने परसेंट गैप है, 3% गैप है। अगर सपोज मैं क्या बोल रहा है, B जो है 10 kg हैवियर है C से भी D से भी, अब ऑब्वियसली बात है B इधर आ ही नहीं सकता, B इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 1, 2, 3 कितने गैप है, 3 का गैप है, तो C इधर आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर एक C आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद क्या बोला है, D और A के बीच में 2% गैप है, ठीक है। तो D इधर आ जाएगा, 1, 2 छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और A का वेट कितना दिया, 60 दिया है, ओके। D इधर रखा तो 2% गैप चाहिए ना, तो यहाँ पर 2% गैप मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी चेक कर दे सही वेट, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला था, F इज 13 kg लाइटर देन B, F की जो वेट है वो 13 kg लाइटर देन B है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पहले देखिए स्टार्टिंग क्या बोला था, F इज लाइटर देन D, F जो है लाइटर है किससे, D से, वो तो सही था। बॉक्स C इज हैवियर देन B, बॉक्स C जो है हैवियर है किससे, B से, बॉक्स C इज हैवियर देन B, ओके। तो B इधर आ जाएगा ना, C जो है हैवियर है और हैवियर सबसे लोअर है और लाइटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो C इज हैवियर देन B, वेट ऑफ बॉक्स E इज डबल देन D, E का जो बॉक्स का जो वजन है, E इधर आ जाएगा ना, E का बॉक्स का जो वजन है वो D के डबल है, ठीक है। देखते हैं अभी कितना वजन है उसका, E के बॉक्स का डबल जो है डबल है, E के बॉक्स का वेट जो है डबल है किसके, D के बॉक्स के हिसाब से। अगर D का 25 रहेगा तो E का 50 रह सकता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। C इज हैवी, देखिए उसके बाद क्या बोला था, बॉक्स F इज 13 kg लाइटर देन B, ठीक है। जो F का वेट है वो 13 kg लाइटर है किसके, B के, तो 13 माइनस करिए तो कितना मिलेगा, 22, तो ये 22 आ जाएगा। F इज 13 kg लाइटर देन D, ओके B, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है, 13 kg लाइटर है। B विच इज 10 kg हैवियर देन D, B जो है 10 kg हैवियर किसके, D के साथ, तो 35 माइनस 10 25, यहाँ 25 आ जाएगा। और एक ऐसी लाइन थी, E का वेट जो है डबल है D के हिसाब से, D का वेट कितना है, D का वेट जो 25 है, तो 25 का डबल 50। देखो मैंने जो पॉसिबिलिटी ली थी सेम एज इट इज पॉसिबिलिटी बैठी, 25 का डबल 50, ठीक है। तो D का डबल वेट है E का, तो E का 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ A एंड C इज 21 kg, A और C का जो वेट है वो कितना है, 21 kg का डिफरेंस है, 60 + 21 = 81, तो C का वेट कितना आ गया, 81 आ गया। और देखिए स्टार्टिंग लाइन क्या बोली थी, वन ऑफ द बॉक्स वेट इज 75 kg, तो G का जो है 75 kg आ जाएगा, ओके। तो इसी तरह हमारी पॉसिबिलिटी सही बैठ गई, बस क्रॉस चेक कर लेते सही बैठा गया।
मोर देन थ्री बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में तीन से ज्यादा बॉक्स है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, हमने चार बॉक्स लेके देखा था, 1 2 3 4 ओके। ओनली टू बॉक्स आर प्लेस बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में टू बॉक्सेस बैठे हैं, ठीक है ओके। ए विच इज 60 kg, ए का जो वेट है वो कितना है, 60 kg वेट है। थ्री बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है, थ्री बॉक्सेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज 35 kg, तो ऊपर से लाइटेस्ट चल रहा था, नीचे से हैवीएस्ट चल रहा था, फर्स्ट लाइटेस्ट, सेकंड लाइट, थर्ड लाइटेस्ट, बी 35 kg ओके। बॉक्स ऑफ एफ इज लाइटर देन डी, एफ जो है हल्का है डी के हिसाब से, तो एफ टॉप में आ रहा है और डी जो है नीचे आ रहा है उसके। सी इज हैवियर देन बी, सी जो हैवियर है बी से, तो सी नीचे आएगा बी ऊपर आ जाएगा ओके। वेट ऑफ ई इज डबल देन डी, ई का जो वेट रहेगा वो डबल है किसके, डी के वेट के हिसाब से, तो डी का 25 तो ई का 50 हो गया, ठीक है। एफ इज 13 kg लाइटर देन बी, एफ का जो वेट है वो 13 kg लाइट है किसके, बी के हिसाब से, 35 - 13 करो 22 मिल जाएगा, ठीक है। बी विच इज 10 kg हैवियर देन डी, बी का वेट जो है 10 kg हैवियर है किसके हिसाब से, डी के हिसाब से, तो 35 - 10 करो, डी का हो जाएगा 25 आ जाएगा, 25 का डबल 50 आ गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो डिफरेंस है वो 21 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब उनका दोनों का टोटल रहेगा, मतलब कितना रहेगा, 60 + 21 = 81, तो सी का वेट कितना रहेगा, 81 रहेगा, ठीक है। और बचा पर्सन क्या है, जी, जी का वेट क्या दिया था, 75 kg दिया था, ठीक है। तो इसी तरह हमारी पॉसिबिलिटी सही बैठ गई, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने कैसे कराया, काफी इजी है, और ऐसे ही पजल आप लोगों को एसबीआई क्लब प्री में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली ध्यान दीजिए, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होगा सॉल्व तो पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल तो है ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जय हिंद।